जैसे कि आप लोग खुद देख रहे हैं, चलते हैं उतरते हैं और इसके पहले तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ और ये पीछे जो है ना बारिश ये चली रही है मॉर्निंग से, और आज उठा था मैं 6:30 बजे। 6:30 बजे उठने के बाद सारी चीज़ें की हमने, तैयार हो गए और अब जाने का जब समय है तो ये पानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन कोई नहीं, हम रेनकोट पहन के तब भी जाएंगे और झंडा फहरा कर आएंगे। आज का दिन मतलब जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इस ये दिन ऐसा होता था जब हम बचपन में रहते थे तो नए जूते, नए मोजे और नए नए ड्रेस एक जोड़ी पहले से ही हटा देते थे, क्योंकि एक जोड़ी जो ड्रेस है वो 15 अगस्त में पहनने के लिए काम आएगी। मतलब बचपन की यादें भी ना काफ़ी अच्छी रहती हैं। और सबसे पहली बात, स्कूल हम इसलिए जाते थे क्योंकि हमें बूंदी मिलती थी, जो पहले 1 रुपये की पैकेट में बूंदी मिला करती थी उसकी वैल्यू उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन वो 1 रुपये खरीद के नहीं खाते थे, हमको स्कूल से अगर मिलेगा तभी हम उसको रखते थे अपने पास। लेकिन कर क्या सकते हैं, समय समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो बस आज हम बूंदी खाने नहीं, बूंदी खिलाने जाते हैं बच्चों को। लेकिन इस बार का स्थिति ऐसा है कि स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे। चलिए ठीक, जो हमारा 15 अगस्त है वो सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ से चलते हैं। पहले बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज, लेकिन हमको जाना है भाई साहब स्कूल जाने के लिए। हम तो निकल पड़े हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए इधर से ही जाते हैं। इस बार हमारे स्कूल में झंडा नहीं फहरा रहे क्योंकि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं स्कूल की तरफ, और आप सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे ना जब आज मैं सो के उठा ना, तो मुझे पूरा का पूरा ना बचपन याद आ गया कि हम लोग बचपन में कैसे करते थे। मम्मी पापा हम लोग के लिए एक नया नया ड्रेस रखते थे। मतलब पुरानी यादें जो थी ना ताज़ा हो जाती थी हर बार, लेकिन इस बार क्या है कैमरे में कैद हो गई है। तो ये कभी ना कभी मैं जब देखूंगा तब मुझे खुद अच्छा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मॉर्निंग में इतने सुबह सुबह, तो आप लोगों ने अभी तक मेरा कभी ब्लॉग ही नहीं देखा होगा, तो आज देख लीजिए इन नज़ारों के साथ। मैं आ गया हूँ अभी बाईपास रोड में, लेकिन ना मुझे ना बाइक लेके आने का मन था, लेकिन हुआ क्या कि क्यों नहीं लाया मैं बता दूँ, क्योंकि बाइक में क्या होता है मेरे जूते जो है पूरे गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं बाइक को छोड़ के स्कूटी लेके आया। और पानी जो है ना काफ़ी तेज़ गिर रहा होगा, आप लोगों को कैमरे की लेंस में भी पता चल ही रहा होगा। तो बस क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग की यही कहानी है, डेली मॉर्निंग में यही पानी जो है ऐसा गिरते रहता है। मतलब आज का दिन और आपका जैसे 15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी आता है जब, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग उठ के नहा धो के फ्रेश होना है, उसके बाद सीधे झंडा फहराने के लिए जाना है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जब मैं 12th तक पढ़ाई कर रहा था, तब कंटिन्यू हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम स्कूल जाया करते थे बचपन से लेके 12th क्लास तक। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज में उतना वो नहीं रहता है कि क्रेज़ नहीं रहता है, मतलब वहाँ पर रहता है क्रेज़, लेकिन हम लोगों को बुलाते नहीं थे। तो कॉलेज में जब हम जाते थे तो थोड़ा सा ठंडा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी की कहानी है ना वो डिफरेंट हो जाती थी। और अब तो मैं टीचर हूँ, तो अब मैं दूसरों को रिप्रेजेंट करने जाता हूँ, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं इनको, ताकि वो बच्चे जो है हमेशा मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को महत्व दें। जगह देख रहे हैं दुकानें जो है ना सब अभी बंद है, और अभी का टाइम जो हो रहा है वो करीबन 7:30 हो रहा है। चलिए चलते हैं, बहुत बातें हो गई। स्कूल तो पहुँच गए हैं, पहुँचे हैं तो देखते हैं इनसे कौन कौन है। तो आज हमारे स्कूल का जो झंडा कार्यक्रम करने वाला है, Thank you.
जय मातरम मातरम अमर रहे अमर रहे। तो अभी फिलहाल स्कूल आए हुए थे, स्कूल आने के बाद जो नगर फहराने के साथ झंडा भी फहरा लिया और यहाँ काफी टाइम हो गया बैठे बैठे, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलिए चलते हैं। तो अभी फिलहाल स्कूल से निकला ही हूँ मैं और एक सोच रहा हूँ कि एक राउंड पूरा दंतेवाड़ा का लगा लिया जाए, क्योंकि फिर सीधा घर जाएंगे, घर के पास भी कीचड़ इतना हो रखा है ना कि दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं होगी। एक बार जैसे तैसे निकल गए निकल गए, ये दंतेवाड़ा का एक राउंड आपको भी घुमा देते हैं। ये यहाँ का जय सब चौक, यहाँ पर भी झंडा फहरा दिया गया है और जो सामने का पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पहाड़ में ना एकदम मतलब फॉग उड़ रहा है, उस दिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था लेकिन आज देखिए एकदम मतलब मनाली वाली फील आ रही है। और अभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ से आगे जो है 15 अगस्त का फंक्शन होता है यहाँ पर, ये हाई स्कूल ग्राउंड दंतेवाड़ा का, यहीं पर होते हैं जो सारे फंक्शन होते हैं। घूमने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और भाई कहाँ घूम रहे, बहुत ही मस्त सजाए हैं इसको। पानी गिर रहा है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं अंदर जाके दिखाता आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी यहाँ चलते हैं, जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं कुछ भी फंक्शन होता है यहीं हाई स्कूल ग्राउंड में ही होता है। यहाँ पर वापस आ गए हम दंतेवाड़ा घूम घाम के और अब चलते हैं सीधा घर, क्योंकि अब दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं होगी वहाँ से, क्योंकि रोड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दुकानें जब आज खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी पता नहीं है, लेकिन अगर खुलेंगी तो फिर आ सकते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। और अभी जाके घर पहुँच गए, ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया मैं, जो 15 अगस्त का पर्व था वो हमने जाके मनाया स्कूल में। आप लोगों ने जैसे कि देखा पानी ज़्यादा गिर रहा था इसलिए कुछ अच्छे से फुटेज नहीं आ पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 26 जनवरी की इससे बेस्ट होगी। और मोदी जी के भाषण सुन रहे थे हम, तो मोदी जी ने, आप नहीं सुन रहे थे, मैं सुन, आप कब सुने, आप तो चले गए थे सुबह स्कूल, इनको तो वही नहीं पता कि कितना घंटे वो बेचारे भाषण, डेढ़ घंटे भाषण, एक ही चीज उन्होंने इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसे यूज करे और इंडिया का बेस है उसे मजबूत करे। इंडिया के प्रोडक्ट लेंगे, स्वाभाविक सी बात है, इंडिया का सामान अगर हम लेंगे तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले के मुकाबले भी ज्यादा बनने लगी है सामान, हर चीज बन। ये पूरा न्यूज ये देख रही थी। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल घर में ही है और आज की मॉर्निंग जो हुई थी ना 6:30 बजे से हुई है और अभी 9:30 हो चुके हैं, लेकिन ना लग ही नहीं रहा है कि नहा लो के बैठ गया, क्या कर सकते हैं, लगना नहीं लगना हमारे ऊपर थोड़ी है। तो इतनी देर हो गई वीडियो में, आप लोगों से पूछना भूल गया था मैं, तो एक बार आप लोगों से पूछ लेते हैं, हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी, आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है। मेनी आवर्स लेटर, अभी अभी हमें पता चला कि शॉप ओपन हो रही है वहां पर, तो चलते हैं अभी शॉप ओपन करते हैं और करते हैं थोड़ी दुकानदारी भी कर लेते हैं, मतलब क्या है यार, चलो चलते हैं। और अभी अभी ना कुछ दिनों से ना हमने ना काढ़ा ले जाना शुरू किया है शॉप, यहाँ जो है काढ़ा तैयार हो रहा है और इसको पीने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब आप जितना भी थक गए हो थोड़ा सा रिलैक्स दे ही देता है आखिरकार। ये जो रास्ते का हाल है ना वो आप खुद ही देखिए, बस मेरे को ये डर लगता है कि मैं सुजितना हो जाऊँ, सीरियसली यार बहुत गंदा रास्ता है, सड़क बनना चाहिए यहाँ पे। मैंने व्हाइट ड्रेस पहन ली, देखो कीचड़ और गिराना, ये हमारा रास्ता हो गया खत्म, अब हमारा सफर स्टार्ट होता है। क्या कर रहा है तू यहाँ पे, शॉप पहुँचे थे और हमारे दुकान में ये फोन आया, देखो टच किए फोन आया, देखो
भटक गया है, शायद भटक गया है, देखते हैं कौन है। बहुत टाइम हो गया शॉप में बैठे बैठे और काफी सारे कमेंट आए, तो अच्छा लगा कमेंट देखकर। सभी का दिल से धन्यवाद, ऐसी प्यार बरसाते रहो। और मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया नहीं कि हमारी वीडियोस को आप लोगों ने शेयर किया, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया। दिल से थैंक यू। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि पानी काफ़ी ज़्यादा तेज है यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं और क्या। टैन टैन है, ये कहाँ आ गए, पानी गिर रहा था अभी तो अचानक भयानक। और इधर भजिया खाना शुरू है, बहुत देर का टाइम नहीं लगा है, मुश्किल 3 मिनट लगे होंगे और यहाँ भजिया सूख पा रहे हैं। और चेहरा दिखाते हैं, एक ये अपने आसिफ भाई, इनके घर आ गए थे, हम लोग पानी गिर रहा था, सर वेट कर रहे थे, अच्छा हम सोचे भाई के घर ही चल देते हैं। और अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग यहाँ से कलेक्टेड, क्योंकि कलेक्टेड में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, उसकी फोटोग्राफ ले लेते हैं और हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, फोटोग्राफ देखिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग सामने आ रही है, जाके वहाँ फॉलो करिए और जाके देखिए। तो अभी फिलहाल गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बैठे हैं तो चल रहे हैं कलेक्टेड के लिए। कलेक्टेड चलते हैं, वहाँ की कुछ बेहतरीन बेहतरीन फोटोग्राफ्स लेनी है। और हमारे साथ है तंजिल भाई जो कि फोटोग्राफ्स के एक्सपर्ट है हमारे साथ, और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं हमारे पहला वाला ड्राइवर पहली वाली वीडियो कर रहा है। हाँ या पहली वाली वीडियो, बचेले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट वहाँ जरूर छोड़ के आइएगा, अच्छा लगता है। फिलहाल चलते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं और कलेक्ट्रेट परिसर जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, जैसे कि आप लोग खुद देख रहे हैं। चलते हैं, उतरते हैं और इसके कुछ बेहतरीन फोटोग्राफ ले लेते हैं। और अभी फिलहाल चल रहे हैं हम कलेक्ट्रेट परिसर, जो पुराना वाला कलेक्ट्रेट परिसर था उसके टेरिस पे चलते हैं, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। और अभी फिलहाल तो हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर के जस्ट सामने, यहाँ से जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा शानदार। नीचे आ गए हैं और फोटोग्राफी चली रही है अभी भी, और नीचे से यहाँ से ब्यूटीफुल लुक देखिए, काफी ज्यादा अच्छा, दिल खुश हो गया देख के। दिन बन गया आज का, आज की जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई है। फिलहाल तो अभी भाई लोग के साथ आए, भाई लोग के साथ वापस उनके घर जाएंगे और उसके बाद यहाँ निकल जाएंगे, क्या कर सकते हैं, पानी गिर रहा है, चलते हैं अभी। और अभी फिलहाल तो घर पहुँच गए हैं, पानी कम गिर रहा था तो मैं बोला अभी निकल लेते हैं, वीडियो बाद में बना लेंगे। और आज मॉर्निंग में इसको धोए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है, तो गाड़ियाँ जो है अभी बाहर हैं, देखते हैं कब अंदर आएंगे पता नहीं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोग्राफ आई है, आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी फिलहाल के लिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में घंटे का बटन है, घंटे का बटन भी दबा ही लीजिएगा। तो मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।